सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को टेक वीडियोस हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आजकल हर रोज नए स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और उनमें से बहुत ही कम स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो कि एक आम आदमी के बजट में आ जाए, यानी कि अगर आपका बजट 7-8 हज़ार रुपये तक का है तो ऐसे स्मार्टफोन जो है बहुत ही कम लॉन्च होते हैं, और उसमें से भी अगर लॉन्च हो भी जाए तो उसके अंदर जब फीचर्स होते हैं क्या वो आपके काम आ सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आपका जो बजट है वो 7 हज़ार रुपये है तो आप ऐसे में एक अच्छा फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसको आपके काम आए, हैंग ना करे, अच्छे से काम करे, तो मैं आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मार्केट में 7 हज़ार की रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कि आपका अच्छे से काम कर सकते हैं, इनकी रैम भी आपको 2 GB मिल सकती है, और कुछ फ़ोन ऐसे भी हैं माइक्रोमैक्स के, लाइफ के या फिर कार्बन वगैरह के जो कि आपको 3 GB की रैम भी देते हैं, लेकिन उन फोन्स के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी वीक होता है और आपका वो परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत करता है। तो मैं आपको बता दूं, ख़राब प्रोसेसर मतलब कि आपकी बैटरी का जल्दी ख़त्म हो जाना, आपके फ़ोन का हैंग करना, आपका फ़ोन का हैंग करना सिर्फ आपकी रैम पर ही डिपेंड नहीं करता, वो आपके प्रोसेसर पर भी डिपेंड करता है। आप चाहे कितनी भी ज़्यादा बड़ी रैम का फ़ोन ले लेंगे तो आपका जो प्रोसेसर अगर वीक होगा तो आपका फ़ोन फिर भी हैंग करेगा। तो दोस्तों आपने एक स्मार्टफोन का नाम सुना होगा, रेडमी 4A करके जो स्मार्टफोन था 6 हज़ार रुपये का आता था, जिसके अंदर आपको 2 GB की रैम मिलती थी और आपको उसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता था क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है एक 6 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन के लिए, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और इस फ़ोन के लिए अमेजोन इंडिया पर इतनी मारा मारी थी कि बुक करना इतना मुश्किल होता था कि बुक ही नहीं हो पाता था। और ये फ़ोन मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है और मैंने इसका गिव अवे भी आप लोगों के लिए किया था मेरे चैनल पर बहुत टाइम पहले। तो अगर मैं 7 हज़ार रुपये में इसी फ़ोन को रिकमेंड करूँ रेडमी 4A को, तो आप सोचेंगे ये फ़ोन तो 6 हज़ार रुपये में अवेलेबल है तो हमको इसे क्यों खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक और वेरियंट लॉन्च हो गया है फ्लिपकार्ट पे, उसकी सेल लगती है वीकली और आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिल जाती है 3 GB की रैम। अगर आपको ज्यादा एप्लीकेशन को रन कराते हैं, ज्यादा आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसे में 3 GB की रैम मिल जाती है सिर्फ 7 हज़ार रुपये में। बाकी जो फ़ोन के अच्छे फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि इस तरह का फ़ोन और किसी कंपनी में मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों ऐसे फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हैं जो 7 हज़ार रुपये में आपको 3 GB की रैम दे देते हैं, जिसमें से आता है माइक्रोमैक्स, लाइफ मोबाइल और ज़ोलो के स्मार्टफोन्स, लेकिन उनके अंदर जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो है मीडियाटेक का। तो अगर आपका प्रोसेसर वीक होगा तो आपको फ़ोन को इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी और आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, या फिर उनके अंदर बैटरी ही कम है, 2500 mAh की बैटरी उनके अंदर मिलती है, तो क्या फायदा उनको लेने का। तो फिर Redmi 4A जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी बिक जाता है Amazon इंडिया पे, तो ऐसे में अगर आपको Redmi 4A के अंदर ही 3 GB की रैम मिल जाए तो क्या बात होगी। तो दोस्तों इसके जो बाकी के फीचर हैं वो आप भली भांति जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो डिस्प्ले मिलता है आपको वो है 5 inches का HD डिस्प्ले, इसके अंदर जो कैमरा है वो है रियर कैमरा है, वो 13 MP का है, 2.2 के अपर्चर के साथ में आपको मिल जाता है, यानी कि आप लो लाइट में भी अच्छी इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP का है, वो भी काफ़ी अच्छा है, मैंने उससे बहुत सारी सेल्फियाँ क्लिक करी हैं जब मेरे पास ये फ़ोन था गिव अवे करने से पहले। जैसे कि मैं बता चुका हूँ प्रोसेसर भी इसका काफ़ी अच्छा है, मार्शमैलो पे ये रन करता है, और इसकी जो बैटरी है वो है 3120 mAh की, जो कि आपको काफ़ी अच्छा टॉक टाइम दे देती है, और फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है। 2 कलर में अवेलेबल आपके लिए ये होता है, गोल्डन में और स्लेट ग्रे कलर में, तो स्लेट ग्रे वाला जो कलर है वो इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप इसको अमेजन इंडिया से परचेस नहीं कर पाएंगे, आपको उससे परचेस करने के लिए जाना पड़ेगा फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर इसकी सेल लगती है और वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर फ्लिपकार्ट से आप इसको परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी टाटा क्लिक की वेबसाइट पे भी वीकली सेल लगती है, वहाँ पे भी आप जाके नोटिफाई मी कर दें, दोनों जगह पे जब भी सेल लगेगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप सेल के दौरान इसको वहाँ से परचेस कर पाएंगे। अगर आपका बजट अगर 9 हज़ार रुपये के करीब है तो आप रेडमी 4 को परचेस कर सकते हैं, उसमें आपको 3 GB की रैम मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे एडिशनली क्या मिलता है आपको इसके अलावा जो इसमें आपको नहीं मिलता, एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है आपको वहाँ पे, और आपको वहाँ पे जो बैटरी है वो थोड़ी बड़ी मिल जाती है, लेकिन 2 हज़ार रुपये एक सेंसर के लिए खर्च करना और एक बजट फ़ोन के अंदर ये बड़ी बात होती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 7 हज़ार रुपये का रेडमी 4A का जो नया वेरियंट आया जिसके अंदर आपको 3 GB की रैम मिलती है वो आप परचेस कर लें अगर आपको ज़रूरत है तो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई तकनीकी।